हेलो एवरीवन वेलकम टू द बायोलॉजी क्लोब तो इस वीडियो के साथ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक सीरीज़ ऑफ़ जनरल साइंस जिसमें कि हम बायोलॉजी सेक्शन को कवर करेंगे फ्रॉम ए टू जेड एंड इस सीरीज़ का जो फॉर्मेशन है वो इस बेसिस पे हुआ है कि सारे जो क्वेश्चन हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल और स्टेट सिविल सर्व सर्विस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उनको एनालिसिस करने के बाद ये लेक्चर प्रिपेयर किया जाएगा सो so होपफुली जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें एटलीस्ट बायोलॉजी सेक्शन से तो क्वेश्चन हैं वो इस लेक्चर uh, से कवर हो जाएंगे सो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड मेन टर्मिनोलॉजीज जो कि रिलेटेड हैं बाय प्रोडक्ट्स मींस पहले तो हम uh, कौन कौन से बायोलॉजी के अंदर ब्रांचेस हैं लाइक आप जोलॉजी बॉटनी देखोगे देन उनकी सब ब्रांचेस क्या हैं लाइक पेलियो बॉटनी इकोलॉजी इस तरह के आप देखोगे एंड बाई प्रोडक्ट्स लाइक किसी लाइक like, आप हनी बीज से आ, हनी को ऑप्टेन कर रहे हो तो एक प्रोडक्ट मिल रहा है आपको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है तो इस तरह की जो सारी ब्रांचेज हैं उनको हम यहाँ पर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे सो so, सबसे पहले जो ब्रांच आती है दिस इज़ जूलॉजी तो जूलॉजी का मतलब है आप जब डिटेल स्टडी करोगे डिफरेंट डिफरेंट लिविंग और एक्सटेंट एनिमल्स की राइट right? तो एनिमल्स के बारे में स्टडी करना है जो जिंदा है जो भी प्रेजेंट है और जो एक्सटिंक्ट मींस अब वो एग्जिस्ट नहीं करते पर वो कभी पहले एग्जिस्ट करते थे तो ओवरऑल कह दें तो एनिमल्स की डिटेल अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसे जुलॉजी बोला जाएगा तो जुलॉजी क्या होगी एक ब्रांच हो गई इसके अलावा आप क्या करोगे जब स्पेसिफिकेशन हो जाएगा एनिमल्स के बिहेवियर की आप बात करने लगोगे तो वो इथोलॉजी हो जाएगा एनिमल्स के अंदर अगर आप आ, जेनेटिकल एबनॉमिलटीज़ के बात करोगे तो वो टरोलॉजी तो हो जाएगा तो जूलॉजी क्या है एक ब्रांच है जिसकी बहुत सारी सब ब्रांचेस होती हैं सेकंड कम्स बॉटनी इससे भी आप फेमिलियर होगे बॉटनी मींस प्लांट्स और उनकी लाइफ के बारे में डिटेल में स्टडी करना पेड़ पौधों के बारे में डिटेल में स्टडी करना क्या कहलाएगा दिस कम्स अंडर द ब्रांच बॉटनी इसी तरह से बॉटनी की भी बहुत सारी सब ब्रांचेस हो जाएंगी लाइक like, अगर आप फ्रूट्स के बारे में पढ़ोगे तो आप पोमोलॉजी को स्टडी करोगे अगर आप आगे जा कर के फंक्शनिंग की डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के बात करोगे अगर प्लांट्स में तो प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगा तो बॉटनी एक बड़ी ब्रांच है जिसमें फर्दर बहुत सारी सब ब्रांचेस आती हैं नेक्स्ट इज पैली ओंटोलॉजी पैलीओंटोलॉजी मीन्स आप लाइफ़ की हिस्ट्री पढ़ रहे हो कि लाइफ पहले कैसी रही होगी किस तरह के ऑर्गेनिज्म किस तरह के प्लांट एनिमल्स फंजाई बैक्टीरिया पहले रहे होंगे पर यहाँ पर बेसिस क्या है फॉजल्स ठीक है तो फॉजल्स के बेसिस पर आप अगर लाइफ की हिस्ट्री पढ़ रहे हो अर्थ पे कि फॉजल्स तो उनको हम बोल देते हैं आप फॉजल्स देख रहे हैं यहाँ पे दिस गाय इज स्टडिंग फॉजल तो फॉजल्स क्या है दे आर द रिमेन्स मीन्स आपने देखा है कि आप हमेशा से पढ़ते आए हो कि बहुत साल जब बहुत सालों बाद खुदाई की जाती है तो रिमेन्स ऑफ लिविंग मटीरियल देखने को मिलते हैं वो इम्प्रेशंस के फॉर्म में होते हैं लेयर्स में दबे हुए होते हैं इस तरह के इम्प्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं तो दे आर द रिमेंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स फनजाए बैक्टीरिया हो सकता है या सिंगल सेल लिविंग थिंग्स के और ये कहाँ पाए जाते हैं जैसे कि चट्टाने हो रॉक मटेरियल में या इस तरह के रॉक्स जो होती हैं उसमें ये प्रिजर्व्ड रहते हैं तो फॉजल्स के बेसिस पर लाइफ की हिस्ट्री को पढ़ना अर्थ पर उसे बोलते हैं पैली नेक्स्ट इज बॉटनी से समझ सकते हो पैलियोटोलॉजी से यहाँ पे बॉटनी मीन्स स्पेसिफिकली आप प्लांट्स के फॉजल्स के बारे में अगर पढ़ रहे हो तो उनको हम बोल देंगे जैसे आप देख रहे हो ना इस रॉक पे ये जो प्लांट्स हैं उसके फॉजल्स आपको देख रहे हैं रिमेन्स जो है वो आ, दिख रहे हैं मीन्स इससे स्टडी अप्रॉक्सीमेटली स्टडी किया जा सकता है कि किस तरह के प्लांट्स उस पर्टिकुलर टाइम में पाए जाते रहे होंगे दिस इज़ नोन एज पैलियो बॉटनी नेक्स्ट कम्स द इकोलॉजी तो इकोलॉजी क्या है ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज़म्स हैं लिविंग बींग्स हैं वो आपस में एक दूसरे से और किस तरह से रिलेट करते हैं और अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने जो सराउंडिंग है फिजिकल उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं तो आप जानते हो एटमॉस्फेयर है ये हाइड्रोस्फेयर है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लिथोस्फेयर में डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं तो इनका आपस में एक दूसरे से किस तरह से रिलेशन है किस तरह से ये एग्जिस्ट करते हैं इनका इनके एनवायरनमेंट के साथ ये किस तरह से रिलेट करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना उनकी सराउंडिंग के बारे में पढ़ना तो यहाँ पर जब आप डिटेल में पढ़ते हो इकोलॉजी तो वहाँ पे आप बायोस्फीयर की बात करोगे एटमोसफेयर हाइड्रोस्फेयर तो इसको ओवरऑल हम बोल देते हैं इकोलॉजी मींस दो ऑर्गेनिजम्स या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में किस तरह से रिलेशन है और उनका उनकी सराउंडिंग के साथ फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जब आप इकोसिस्टम पढ़ोगे बायोस्फीयर पढ़ोगे एटमोस्फेयर पढ़ोगे तो वो सारा कुछ इकोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कम्स द जेनेटिक्स इसके साथ तो आप हमेशा से फैमिलियर रहे होंगे जीन जो टर्म है वो आप सभी ने बहुत पहले से ही सुना होगा जीन जिसको हम हमेशा से कहते आए हैं कि इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी सो जहाँ पे हम हेरिडिटी की बात करें जीन्स की बात करें वेरिएशंस की बात करें तो उसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स इनहेरिटेंस की बात करें इनहेरिटेंस क्या होता है इनहेरिटेंस का मतलब आप ऐसे समझिए कि ये एक बच्चा है इसके अंदर बहुत सारे फ़ीचर्स हैं सपोज इसके जो आइज हैं वो उसके फादर की तरह दिखती हैं इसके जो नोज है वो इसकी मॉम की तरह दिख रही है तो इसने क्या किया है कि वो जो जीन्स हैं फादर की आई वाले जीन्स जो हैं वो इस बच्चे के अंदर डोमिनेटिंग है ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं जबकि मदर्स के जो नोज़ की अपेरेंस वाले जीन हैं वो इस इस बच्चे के अंदर ज़्यादा अपने आप को शो कर पा रहे हैं दैट्स वाई ये बच्चा अपने पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहा है उन फीचर्स में तो ये क्या हुआ ये कैरेक्टर्स इनहेरिट हुए मीन्स पेरेंट्स से बच्चे में ये कैरेक्टर्स जीन्स के फॉर्म में ट्रांसमिट हुए तो दिस इज नोस नोन एज इनहेरिटेंस वेरिएशन क्या है ये बच्चा बहुत कुछ अपने पेरेंट्स से मिलता है बट इसके अंदर कुछ ऐसी फीचर्स भी हैं जो अपने पेरेंट्स से काफ़ी अलग हैं तो वहाँ वो वेरी कर रहा है तो दिस इज़ नोन एज़ वेरिएशन्स जब हम डिटेल में पढ़ते तो यहीं पे हम मैंडल्स के लॉ जो है वो जी जेनेटिक्स में पढ़ते हैं तो काफ़ी डिटेल में जो है वो आ, इसको स्टडी किया जाता है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो फीचर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं उनके पीछे अलग अलग जो लॉज हैं वो काम करते हैं तो बेसिक अगर हम देखें तो इनहेरिटेंस के बारे में हेरिडिटी के बारे में जीन्स जेनेटिक वेरिएशन्स के बारे में जहाँ हम पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स और आप सभी जानते हो कि जो लिविंग मटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज़ डीएनए ठीक है तो सिंपल टर्म्स में तो हम यही कह देते हैं कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है ठीक है तो डीएनए एन ए इज डी न्यूक्लिक एसिड एंड आर इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड तो ये टर्म्स जहाँ एसोसिएटेड हैं वहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने जेनेटिक्स को आ, पढ़ना है इज फिजियोलॉजी तो फिजियोलॉजी क्या है वो प्लांट्स के अंदर भी हो सकती है और एनिमल्स के अंदर भी हम फिजियोलॉजी एनिमल्स की स्टडी करें तो दिस इज एनिमल फिजियोलॉजी प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट्स की फिजियोलॉजी तो सिंपल सा अगर आप आ, समझो लाइक like हमारे अंदर क्या है फूड को हम डाइजेस्ट करना है तो फूड किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है किस तरह से चर्निंग हो रही है कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व है मीन्स ये सारा अगर हम फंक्शनिंग को पढ़ रहे हैं दैट इज़ नोन एज फिजियोलॉजी ठीक है जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका डायग्राम यहाँ पे इन्होंने शो किया है इस तरह से प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो प्लांट्स में फ़ूड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है कौन कौन से ऑर्गन इन्वोल्व्स हैं ठीक है कहाँ किस तरह से इन्वॉल्व है रूट्स का फंक्शन क्या है लीव्स का रोल क्या है फ़ूड का, का प्रिपरेशन में तो इस सब को हम क्या कहाँ पे पढ़ते हैं फिजियोलॉजी मींस इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेजम्स इन लिविंग सिस्टम एक लिविंग सिस्टम के अंदर किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं किस मैकेनिज़्म कौन कौन से फॉलो हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं लाइक like, हार्ट की पंपिंग किस तरह से हो रही है ठीक है ब्लड की क्लॉटिंग किस तरह से हो रही है ये सारी जो फंक्शनिंग है इसको हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं प्लांट में करोगे तो प्लांट फिजियोलॉजी एनिमल्स में अगर हम स्टडी कर रहे हैं दैन इट विल बी एनिमल फिजियोलॉजी राइट नेक्स्ट जो ब्रांच आती है दिस इज पैडोलॉजी पेडोलॉजी का मतलब होता है स्वाइल की स्टडी करना आप उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में ठीक है ये जरूर याद रखना है कि सॉयल की स्टडी उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में जब की जाती है तो उसे हम बोलते हैं पेडोलॉजी पेडोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे पेडोजेनेसिस मीन्स सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है सॉइल की मॉर्फोलॉजी मीन्स किस किस तरह की सॉइल होती है डिफरेंट डिफरेंट आप पढ़ते हो जियोग्राफी में पढ़ते हो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स एंड सॉइल्स को क्वालिफ स्वाइल uh, को क्लासिफाई किस किस बेसिस पे किया जा सकता है तो आप सिर्फ सॉइल के बारे में पढ़ रहे हो उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में तो उसको हम बोलते हैं पेडोलॉजी इस पर पे हम स्ट्रेस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी जो नेक्स्ट ब्रांच आएगी वो भी सॉइल की स्टडी है बट वहाँ पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा तो इस पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं तो आप कन्फ्यूज ना हो दैट्स वाई आई एम स्टडिंग अगर नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर आप सॉइल के फॉर्मेशन की बात कर रहे हो सॉइल की मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हो सॉइल को क्लासीफाई कर रहे हो ठीक है तो हम बात उसको बोलते हैं पेडोलॉजी नेक्स्ट इज इडेफोलॉजी इडेफोलॉजी का मतलब क्या है यहाँ भी सॉइल की ही स्टडी की जाएगी बट उसका जैसे क्या है एडेफोलॉजी इज कंसर्न विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल ऑन लिविंग बींग्स पर्टिकुलरली प्लांट्स बट यहाँ पे जो स्टडी की जाएगी वो प्लांट को रेफरेंस लेके की, की जाएगी कि इस पर्टिकुलर सॉइल का प्लांट की ग्रोथ पे क्या असर पड़ रहा है कि इस पर क्या इफेक्ट डाल रही है तो उसको हम बोलेंगे एडेफोलॉजी यहाँ पे आप सॉइल फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन इसकी बात नहीं करोगे ये बात कर रही है कि सॉइल का क्या इन्फ्लुएंस क्या प्रभाव पड़ रहा है लिविंग बींग्स पे और स्पेसिफिकली किस पे पर्टिकुलरली प्लांट्स पे तो उसको हम बोलेंगे एडफोलॉजी राइट नेक्स्ट इस पे आप देखो बहुत सारे आ, मैंने देखा तो बहुत सारे एग्जाम्स जो है आर ओ ए आर ओ में तो स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जेरेंटोलॉजी क्या होता है ठीक है तो जेरेंटोलॉजी कौन सी ब्रांच है यहाँ पे आप बढ़ते हो एजिंग के बारे में एजिंग आप समझ रहे हो यंग पहले यंग वन होता है देन उसकी एज बढ़ती जाती है एंड अल्टीमेटली ओल्ड जो है वो हो जाता है तो ये जो प्रोसेस है एजिंग की एंड स्पेसिफिकली इस ब्रांच में जो ओल्ड पर्सन है उसकी प्रॉब्लम्स जो है उनसे डील किया जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड पीपल तो उसको हम बोलते हैं जेरेंटोलॉजी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सारे जितने भी एक्सपेक्ट हो सकते हैं इन चीज़ों के एजिंग के ओल्ड एज के लोगों की प्रॉब्लम्स के लाइक सोशल एस्पेक्ट क्या है कल्चरल एक्सपेक्ट क्या है फिजियोलॉजिकल क्या है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है कॉग्निटिव क्या एस्पेक्ट है इस सब को जो है वो स्टडी किया जाता है तो साइंटिफिक स्टडी जो होती है ओल्ड एज की किस तरह से एजिंग की प्रोसेस जो है वो होती है और ओल्ड पीपल की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच जेरेंटोलॉजी नेक्स्ट जो ब्रांच आती है दिस इज इथोलॉजी ठीक है इथोलॉजी में क्या है आप बिहेवियर को स्टडी करोगे एनिमल्स को तो इसको क्या होता है कि जब हम बिकॉज आई हैव अपलोडेड सो मेनी वीडियोस अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप जाके देख भी सकते हैं इथोलॉजी uh, की मैंने बहुत सारी वीडियोस डिटेल में अपलोड की की हुई हैं बट यहाँ पे क्योंकि हम जनरल साइंस की बात कर रहे हैं सो आम आई एम नॉट गोइंग दैट मच डिटेल सो इथोलॉजी जो होती है इसको हम एनिमल बिहेवियर भी बोलते हैं ठीक है जनरली जो बोलते हैं तो एनिमल बिहेवियर तो स्टडी करते हैं बट उसमें से क्या करते हैं ना ह्यूमन के ह्यूमन भी एक एनिमल ही है बट हम ह्यूमन को जो है वो हटा देते हैं सो so, अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि इट इज़ द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर मतलब ह्यूमन को छोड़ कर के बाकी जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर जब स्टडी किया जाता है उनके बिहेवियर पे तो उसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज ईथोलॉजी ठीक है नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर को स्टडी करना तो ये जो डायग्राम यहाँ पे जो इमेज मैंने पुट, पुट की है ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है कोर्नार्ड लॉरेंस थे उन्होंने क्या किया ये आ, यूजली जब ये एनिमल्स बाहर आते हैं एग से हैच होते हैं तो ये अपनी मदर को फॉलो करते हैं सो कोर्नाड लॉरेंज ने क्या किया कि जब ये एग से बाहर आए तो ये वो पहले पर्सन थे जो कि इनको दिखाई दिए इन आ, चिक्स को दिखाई दिए और इन्होंने इसकी माँ जो है उनको उनको नहीं देखने दिया तो इन्होंने देखा कि इन्होंने इनको ही फॉलो कर लिया मीन्स दे फॉलो द फर्स्ट वन जिसको वो देखते हैं तो इस तरह से इन्होंने इनके बिहेवियर को स्टडी किया ऐसे बहुत सारे जैसे चिमपैनजीज पर स्टडी की जाती है रैट्स पे किया जाता है तो इस तरह के जो बिहेवियर है नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर उनकी स्टडी को बोलते हैं ईथोलॉजी राइट नेक्स्ट इज फाइकोलॉजी या जिसे हम कहते हैं एल्गोलॉजी तो एल्गोलॉजी से आपने आपसे समझ में आ रहा होगा कि एल्गी की स्टडी करना है तो सीवीड्स एंड अदर जो एल्गीज़ हैं जो वाटर बॉडीज में प्रेजेंट हैं, बेसिकली जो है वाटर बॉडीज में होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस एल्गी जो है वो स्नो पर भी पाए जाते हैं पर आपने अपनी सराउंडिंग में देखा होगा कि पॉन्ड हो गया लेक हो गया तो ये सारी जो वाटर बॉडी हैं इस तरह की ग्रीन आ, ग्रीनिश आपको बॉडीज़ दिखती हैं तो ये एलगी होती हैं तो एलगी के बारे में ये है कि ये फोटोसेंथेटिक होती हैं मीन्स ये मोस्टली अपना फूड जो है वो खुद से प्रपेयर कर सकती हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एलगी रेड एलगी ग्रीन एलगी प्रजेंट होती हैं एंड इनके अपने अपने यूज़ होते हैं सम आर यूज एज अ फूड की तरह यूज़ किया जाता है मेडिसिन uh, में भी यूज़ किया जाता है एंड लैब uh, में uh, काफ़ी स्टडी किया uh, किया गया है इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एल्गी को यूलोथ्रिक्स है फ्यूकस है स्पायरोग uh, है तो एल्गी और अदर जो सी बीज्स हैं उनकी स्टडी को हम एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी बोलते हैं नेक्स्ट कम्स द माइकोलॉजी तो मशरूम्स जो है इससे आप सभी फैमिलियर होंगे ये क्या है दिस इज़ अ काइंड ऑफ फंगस तो फंगस की जो स्टडी होती है फंजाई की जो स्टडी होती है दिस इज़ नोन एज माइकोलॉजी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फंजाई होती हैं फंगल टॉक्सिन्स होते हैं बहुत सारे टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं जो कि प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म भी करते हैं एंड मैनी आर एज इट टेकन एज अ फूड जैसे आपका ये मशरूम हो गया तो फंजाई की जो स्टडी होती है इसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी नेक्स्ट इज लाइकेनोलॉजी तो लाइकेनोलॉजी क्या है आपने एलगी समझा और फंजाई समझा तो एलगी और साइनोबैक्टीरिया जब फंजाई के साथ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में हो मींस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हों तो ये जो है ये आ, आपको लाइकेन दिख रहा है ये एसोसिएशन है एलगी और फंजाई का ठीक है तो एलगी आपने देखा था कि फोटोसेंथेटिक है फूड बना सकता है तो ये एलगी क्या करता है ये फूड प्रिपरेशन का काम करता है और फंजाई जो होगी उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है तो ये जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है बिटवीन द एलगी और फनजाई उसको हम बोलते हैं लाइकेन लाइकेन की जो स्टडी होती है दिस इज़ नोन एज लाइकेनो तो इसके बहुत सारे जो है वो यूज़ हैं लाइकेनोलॉजी के आ, इनको एज अ डाई जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ ह्यूमन फूड जो है यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन तो लाइकेन क्या है दिस इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन म्यूचुअल मीन्स जहाँ पे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अलग अलग चीज़ों के लिए एलगी और फनजाई का म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन या एल्गी की जगह पर साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है ठीक है साइनो बैक्टीरिया ठीक है तो एलगी बोल दीजिए या फिर साइनो बैक्टीरिया अलॉन्ग विथ किसके फंजाई के तो वो हो जाते हैं लाइकेन नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी आप समझ रहे हो एम्ब्रायो जो वर्ड है वहाँ से ही बना हुआ है तो एम्ब्रायो आप जानते हो कि जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज होती है कोई भी एनिमल डेवलप हो रहा है ठीक है अभी हम पूरे ह्यूमन बींग है बट जब हम मदर के यूट्रस uh, में रहते हैं तो क्या होता है वी आर इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो सिंपल टर्म में अगर हम समझें तो जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके एम्ब्रायोज़ को स्टडी करना रिलेशनशिप देखना कि हाँ अगर दो ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रायो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो हो सकता है इनका ओरिजिन uh, जो है वो सेम रहा हो कुछ कैरेक्टरिस्टिक वो शेयर कर रहे हैं तो इस तरह से जो एम्ब्रियोज की स्टडी होती है एम्बरायोज की डेवलपमेंट की जो स्टडी होती है लाइक ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट आपको स्टडी करना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की उसको स्टडी कर, तो कर रहे हो तो एम्बरायोज की जो स्टडीज कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एमरायोज की स्टडी कर रहे हो उनका डेवलपमेंट अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी राइट नेक्स्ट इज द हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी क्या है जब हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ टिशूज़ टिशूज़ के बारे में आप स्टडीज करोगे तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजीज़ आपको पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है जब आपने हमेशा से पढ़ते और जब बहुत सारी सेल्स कम्बाइन होती हैं तो क्या बनते हैं टिशूज़ बनते हैं टिशूज़ जब कम्बाइन होते हैं तो एक ऑर्गन बनता है और ऑर्गन बहुत सारे कम्बाइन होते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया तो ये जो टिशूज़ हैं इनके जो माइक्रोस्कोपिक बहुत ही माइन्यूट लेवल पे भी जब हम इसकी स्टडी करते हैं कि कितने टाइप ऑफ टिश्यूज हैं तो इन सबको हम बोलते हैं टिश्यूज के रिगार्डिंग कि कौन से टिश्यूज में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं तो इसको हम बोल देते हैं हिस्टोलॉजी नेक्स्ट कम सा सेल बायोलॉजी तो सेल बायोलॉजी आप समझ रहे हो कि सेल की स्टडी करना सेल जो कि बेसिक यूनिट है लाइफ की हम बहुत ही इनिशियल क्लासेस से पढ़ते हैं तो सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करना फंक्शन के बारे में स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है जैसे कि प्लांट सेल्स हो सकती हैं एनिमल सेल्स हो सकती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सेल हैं तो उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जैसे आप जानते हो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है बट एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है ये डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना कि लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्डिया राइबोसोम्स ना सेल मेम्ब्रेन इनकी डिटेल में स्टडी करना ये किस तरह से इनमें ट्रांसपोर्ट होता है इन सबको डिटेल में स्टडी करना वो आता है सेल बायोलॉजी के अंदर नेक्स्ट इज़ ऑस्टियोलॉजी तो ऑस्टियोलॉजी इज़ ये साइंटिफिक और डिटेल स्टडी होती है जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक आप देख लो स्केलेटल एलिमेंट्स जैसे कि बोन्स के बारे में स्टडी करना स्केलेटल एलिमेंट्स के बारे में टीथ के बारे में माइक्रो बोन्स जो है एंड नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉज जी में क्या है आप जानते हो आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो स्किन जो कि सबसे बड़ा ऑर्गन है पूरी बॉडी को ही आपकी कवर करके रखता है तो स्किन के बारे में एंड उसके जो आप कह सकते हो प्रोजेक्शंस हैं स्किन से ही एसोसिएटेड नेल्स हो गए एंड हेयर हो गए तो इन सब के बारे में स्टडी करना कहलाता है डर्मेटोलॉजी राइट नेक्स्ट कम्स था ऑर्निथोलॉजी ऑर्नीथोलॉजी जो है वो स्पेसिफिकली एक ब्रांच है ज़ोलॉजी की जहाँ पे बर्ड्स के बारे में स्टडी किया जाता है तो बर्ड्स की जो स्टडी होती है डिटेल में जो स्टडी होती है दिस इज़ द ऑर्निथोलॉजी नेक्स्ट इज हर पैटोलॉजी हर पैटोलॉजी क्या होती है हरपेटोली एक ब्रांच है दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ जुलॉजी जो कि जहां पर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की राइट right? रेप्टाइल्स में स्नैक्स आते हैं टर्टल रिजार्ट आते हैं जबकि एम्फीबियंस में आपके फ्रॉक्स टोड्स एंड सेलेमेंडर तो एम्फीबियंस एंड रेप्टल्स की स्टडी को हरपैटोलॉजी बोलते हैं नेक्स्ट कर्म्स था सरपेंटोलॉजी सरपेंटोलॉजी आपको समझ में आ रहा होगा दिस इज द स्टडी ऑफ द स्नेक्स स्नेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं दिस इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ जुलॉजी जो कि स्नेक्स को स्टडी करती है तो उसको बोलते हैं सरपेंटोलॉजी नेक्स्ट इज एकथायोलॉजी इक्थायोलॉजी क्या होती है दिस इज द स्टडी ऑफ द फिश दिस इज द ब्रांच ऑफ जुलॉजी जो कि स्टडी करती है अबाउट दैट ऑफ द फिशेज तो उसको हम बोलते हैं इक्थायोलॉजी नेक्स्ट इज़ द मलेकोलॉजी तो मलेकोलॉजी कहाँ से आता है मलस्क की स्टडी करना मलस्क आप जानते हो दिस इज द लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल का फर्स्ट तो आर्थोपोडा होता है एंड सेकेंड जो है वो कौन सा फाइलम है मलस्का एनिमल किंगडम का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो फर्स्ट जो है वो आर्थोपोड्स है सबसे बड़ा फाइलम एंड सेकेंड जो है वो मलस्क आते हैं तो मलस के बारे में जब स्टडी किया जाता है जिसमें कौन आते हैं आपने देखा होगा स्नेल्स स्लग ऑक्टोपस स्क्वेड ये सारे जो होते हैं इनकी जो शेल होती है ठीक है जिस ये जो कवरिंग होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बनी होती है तो मलस की स्टडी को हम बोलते हैं मलेकोलॉजी नेक्स्ट आती है इंटर्मोलॉजी तो इंटर्मोलॉजी में हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटेमोलॉजी इंसेक्ट्स मीन्स आप एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करते हो तो जो फाइलम आर्थोपोडा है ठीक है दिस इज द आर्थोपोडा तो ऑर्थोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं सारे जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको फाइलम ऑर्थोपोडा के अंदर प्लेस किया गया है डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स लाइक आंट हो गया कॉकरोच बीटल हो गया बीज हो गया क्रिकेट की बात कर लो आप मॉस्किटोज तो लेडी बर्ग है ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं इनकी स्टडी करना इंसेक्ट्स के अंदर एक बहुत फेमस टॉपिक होता है उनके माउथ पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माउथ पार्ट्स को स्टडी किया जाता है तो इस सब को हम बोलते हैं इंसेक्ट्स की स्टडी को हम बोलते हैं इंटोमोलॉजी नेक्स्ट इज बैक्टीरियोलॉजी ये आप सबको ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया की आप स्टडी कर रहे हो बैक्टीरिया की इकोलॉजी एक, स्टडी करो मोफोलॉजी uh, वो बाहर से कैसे हैं इन इंटरनल क्या है वो किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं उनकी बायोकेमिस्ट्री क्या है तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो बैक्टीरिया के हैं वो बैक्टीरियोलॉजी को uh, के अंदर पढ़े जा पढ़े जाते हैं नेक्स्ट इज़ द वायरोलॉजी दिस इज़ द स्टडी ऑफ द वायरस ठीक है तो स्टडी ऑफ द वायरस इज़ नोन एज द नोन एज वायरोलॉजी तो वायरस के लेके एक डाउट हमेशा रहता है कि दिस इज़ लिविंग और नॉन लिविंग क्योंकि आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट के बाहर तो ये एज अ डेड बिहेव करता है बट जैसे ये होस्ट के अंदर जाता है होस्ट की मसीनरी को यूज़ करता है और वो इन्फेक्शन को कॉज करने लगता है सो so, इसको लेकर के एक डिबेट चलती रहती है तो बिकॉज इट्स शोज द दैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग की भी शो करता है और नॉन लिविंग की भी शो करता है तो बेसिकली क्या है एक सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं पैरासिटिक पार्टिकल मीन्स होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है अपने आपको uh, को की लाइफ को सर्वाइव uh, करने के लिए सो so, ये माइक्रोस्कोपिक पैरासिटिक पार्टिकल हैं जिनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है एंड बेसिकली दिस इज आर एन ए बट डिफरेंट वायरसेस स्टडी किए गए हैं एंड ये जो है वो कोट जो प्रोटीन कोट है उससे सराउंड रहता है तो दिस इज द प्रोटीन कोट एंड अंदर जो है इसका जेनेटिक मटीरियल होता है एंड वेरी माइन्यूट सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ये होता है नेक्स्ट इज द पैरासिटोलॉजी पैरासिटोलॉजी क्या होती है दिस इज द स्टडी ऑफ द पैरासाइट वो पैरासाइट वायरस हो सकता है फंगस हो सकता है इंसेक्ट्स हो सकता है एंड वायर पैरासाइट क्या है पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अदर स्पीशीज़ पे अब वो अदर स्पीशीज़ प्लांट हो सकती हैं एनिमल्स होती हैं उनको एज अ होस्ट यूज़ करते हैं ठीक है थीके? उनके ऊपर डिपेंडेंट है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए या किसी और फंक्शन के लिए तो वो होस्ट पे जो डिपेंडेंट है अपने फंक्शनिंग कराने के लिए उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स ठीक है सो so, इनकी जो स्टडी होती है और होस्ट और पैरासाइट का जो रिलेशनशिप है इसको स्टडी करते हैं होस्ट का काम क्या है वो उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड uh, करेगा जिसमें कि पैरासाइट रह सके आराम से तो दिस इज एंड होस्ट एंड पैरासाइट की का रिलेशनशिप क्या है उसको भी हम पैरासिटोलॉजी में ही स्टडी करते हैं नेक्स्ट इज़ पैथोलॉजी पैथोलॉजी क्या है दिस इज़ द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज़ कि कोई डिजीज़ है उस वो किस वजह से हुई कॉज क्या है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑर्गेनिज्म के ऊपर सो मेनली क्या होता है uh, ये मेडिसिन uh, uh, की ब्रांच है जो कि आपने लेबोरेटरी में आपने देखा होगा कि जो किसी में भी किसी में आप आपके अंदर भी मान लीजिए किसी भी एक डिजीज़ का सिम्टम्स रहता है तो जो सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं एंड उनको डायग्नोसिस के लिए लैब में भेज दिया जा जाता है तो ये वाली जो प्रोसीजर होती है वो भी इसी ब्रांच के अंदर आती है पैथोलॉजी के अंदर सो ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल ऑफ बॉडी टिश्यूज़ फॉर द डायग्नोस्टिक और फॉरेंसिक पर्पज ठीक है बाइक किडनी में आपको कुछ लग रहा है तो किडनी से थोड़ा सा सैम्पल टिश्यूज़ का लिया जाएगा एंड उसको पैथोलॉजी की जो लैब है वहाँ पे भेज दिया जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन फ़ॉर द डायग्नोसिस तो वो भी पैथोलॉजी के अंदर आता है नेक्स्ट इज द सेरोलॉजी तो सेरोलॉजी को आप इस तरह से समझिए कि सपोज कोई पैथोजन है या फॉरेन पार्टिकल आया उसने सपोज uh, वायरस है या कोई बैक्टीरिया उसने आपको क्या किया इन्फेक्शन कॉज किया तब आपकी बॉडी क्या है एकदम तो वीक नहीं है कि वो एकदम इन्फेक्टेड हो जाएगी तो वो क्या करेगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अब ये क्या लेके आएगा अपने साथ एंटीजेंस लेके आएगा जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं तो हमारी बॉडी क्या करेगी एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खूब सारी एंटीबॉडीज़ होंगी जो कि एंटीजेंस से फाइट करेंगी एंड अगर ये स्ट्रांग निकल गई तो हमारी बॉडी को डिजीज़ नहीं होगी पर अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है एंटीबॉडीज़ नहीं अच्छे से रिलीज हुई तो वी, वी मे फॉल से तो सिंपल सी बात है ये जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो कहाँ पाई जाएंगी जो हमारी बॉडी के फ्लूड्स हैं जैसे कि सीरम हो गया ब्लड सीरम तो ये एंटीबॉडीज़ वहाँ पे प्रेजेंट होंगी तो ये जो डायग्नोसिस होती है बेसिकली आ, जो ब्लड सीरम है विथ रिगार्ड टू द रिस्पॉन्स टू ऑफ द इम्यून सिस्टम टू पैथोजन और इंट्रोड्यूस सब्सटेंस इसमें हम क्या चेक करते हैं कि एंटीबॉडीज़ जो है सीरम में ब्लड सीरम की जो एग्ज़ामिनेशन होता है पर्पज़ हमारा क्या है कि एक ना कहीं ना कहीं हम चेक कर रहे हैं कि जो पैथोजन या जो बाहर से जो सब्सटेंस आया था उसके रिस्पॉन्स में हमारे जो बॉडी फ्लूड है और सीरम है उसमें आ, हमारे उसमें क्या क्या एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुई हैं ठीक है थीके? अगर एंटीबॉडीज़ का जो एग्ज़ामिनेशन है वो आता है सैरोलॉजी ब्रांच के अंदर ठीक है नेक्स्ट इज कॉन्ड्रियोलॉजी सो कॉन्ड्रियोलॉजी में क्या है दिस इज द ब्रांच विच स्टडीज़ द अबाउट द कार्टिलेज सो ब्रांच ऑफ एनाटमी जहाँ पे हम कार्टिलेज की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी कार्टिलेज क्या है ये सपोज uh, दो बोन्स हैं ठीक है थीके? इनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि इन बोन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है शॉक जो आता है उसको एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन जो है इन बोन्स में ना हो पाए उन्हें प्रिवेंट करता है उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज सो कार्टिलेज की जो स्टडी है दिस इज नोन एज कॉन्ड्रियोलॉजी कार्टिलेज क्या है दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्लैक्सीबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट योर ज्वाइंट्स एंड बोन्स जो हमारे ज्वाइंट्स और बोन्स को आ, प्रोटेक्ट करता है ये सॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है पूरी बॉडी में एंड कार्टिलेज एट द एंड ऑफ योर बोन रिड्यूजेज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रनिंग टूगेदर वेन यू यूज योर ज्वाइंट्स तो दो बोन के बीच में फ्रिक्शन ना हो जब हम अपने जॉइंट्स को यूज़ करें तो उसको भी प्रोटेक्ट करके रखता है ट्रोफोलॉजी ट्रोफोलॉजी क्या है न्यूट्रिशन की जो स्टडी होती है एक न्यूट्रिशनल अप्रोच जो कि बताता है कि कौन कौन सा फूड को अगर हम कंबाइन करें तो ये हमारी हेल्थ के लिए वेट लॉस के लिए अच्छा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रोफोलॉजी नेक्स्ट इज द बायोनिक्स तो इस सो so, बायोनिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो टर्म है दिस वॉज कॉइंड बाई जैक ए स्टीली इन नाइनटीन तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी पर्सन का अगर सपोज लेग जो है नहीं रहा तो उसको क्या है एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इंजीनियरिंग की हेल्प से एक आर्टिफिशियल लेग जो है उसको दिया जा सकता है तो आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को इंजीनियरिंग में यूज़ करना या इंजीनियरिंग को बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट में ढालना ये क्या है एक तरह से बायोनिक्स होता है ठीक है दिस इज ऐसे देखिए बहुत सारे जो प्रोसेस हैं उनको प्रिपेयर किया गया है बायो प्रिपेयर किया गया है टू तो हेल्प द डिफरेंट लिविंग बींग्स राइट तो ये एनिमल्स के लिए भी हेल्प करते हैं ह्यूमंस के लिए भी इसी तरह से बहुत सारे प्रोसेसिस लाइक लिम बनाया गया है हर्ट एंड ब्रेस्ट के इम्प्लांट्स आपने देखे होंगे तो इस ये जो ब्रांच होती है जहाँ पे फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट फ्रॉम बायोलॉजी टू इंजीनियरिंग एंड वाइस वर्सा तो इसको हम बोलते हैं बायोनिक्स देन इट इज द बायोनोमिक्स बायोनोमिक्स क्या है दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन टू द इन्वायरमेंट तो एक ऑर्गेनिज्म का अपने ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना एंड उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से रिलेशन है वो किस तरह से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम बोल देते हैं बायोनॉमिक्स तो ये जो वर्ड है बायोनॉमी ये यूज़ किया गया था इन द पीरियड ऑफ 1885 एटी फाइव टू एटीन अभी जो टर्म फेमस है इसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं दिस इज़ द इकोलॉजी तो इकोलॉजी में भी यही होता है कि जो ऑर्गेनि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच के रिलेशन को स्टडी करना एंड उनका उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या किस तरह से रिलेशन है उसको हम बोलते हैं ईकोलॉजी जहाँ पे हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं कम्युनिटी के इकोसिस्टम के बायोस्फीयर के तो ये एक तरह से हम देखें तो ये थोड़ा सा पुराना टर्म हो गया है बायोनॉमिक्स फिर भी आपको पता होना चाहिए अब प्रेजेंटली हम यहाँ पे इकोलॉजी टर्म को यूज़ करते हैं देन कम्स द the... बायोनॉमी बायोनॉमीज में हम बात करते हैं अबाउट द लॉज ऑफ लाइफ ठीक है लॉज ऑफ़ लाइफ यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी को इकोलॉजी मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं इन्वायरमेंटल साइंस इनके प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं ठीक है तो लॉज ऑफ़ लाइफ की जहाँ भी हम बात कर रहे हैं दिस इज नोन एज द ऑफ द बायोनॉमी नेक्स्ट कम्स द बायोमेट्री मीन्स समथिंग एसोसिएटेड विथ मैथमेटिक्स इसको हम बायो स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं इसको आप सबसे अच्छा समझ सकते हैं जैसे कि कोविड नाइन्टीन के टाइम्स में बहुत सारा डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया उसको एनालाइज किया गया बाय द मेटा एनालिसिस एंड उसके बेसिस पर उसको उस डेटा को यूज़ करके डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ बनाई गई ताकि लोगों की लाइफ्स को बचाया जा सके तो एक मैथमेटिकल या मैथड है जिसमें हम डाटा को एनालाइज़ कर रहे हैं देन ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज़ नोन एज बायोमेट्री मीन्स द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मैथड्स टू एनालाइज द डाटा रिजल्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड फिनोमिना तो इसको हम बोल देते हैं बायोमेट्री नेक्स्ट कम्स द फ्रेनोलॉजी फ्रेनोलॉजी का मतलब है डिटेल स्टडी ऑफ द क्रैनियम क्रैनियम आप इस तरह से समझ लीजिए जो हमारी स्कल होती है स्कल का वो पार्ट जो कि ब्रेन को सराउंड करता है उसको हम बोलते हैं क्रैनियम सो क्रैनियम का डिटेल में सेप साइज उसको स्टडी करना वो कहलाता है फ्रेनोलॉजी ऐसा माना जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज जो इस कल के डिफरेंट डिफरेंट रीजनस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो इस चीज़ को लेकर चलते हैं एंड जब इसकी डिटेल मेंटल uh, एबिलिटीज़ जो है उससे एसोसिएटेड हो सकता है जो क्रैनियम uh, का सेप एंड साइज़ है तो उसमें जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं क्रैनियम को दैन दिस इज़ नोन एज द फ्रेनोलॉजी नेक्स्ट कम्स द एंथोलॉजी तो वेरी सिंपल जब हम फ्लावर्स की स्टडी करते हैं देन दिस इज़ नोन एज एंथोलॉजी नेक्स्ट कम्स द एग्रोस्टोलॉजी सो एग्रोस्टोलॉजी जो है वो ट्रू ग्रासेस जो हैं उसको स्टडी करते हैं तो उनको हम बोलते हैं एंड दे जनरली जो ग्रासेस हैं दे बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी और जिसे हम बोलते हैं ग्रेमिनीई तो ग्रेमिनीई एंड पोएसी जो फैमिलीज़ हैं उनकी आप कह सकते हैं स्टडी उसको हम बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्स ग्रेमिनोलॉजी भी इसको हम बोलते हैं तो एग्रोस्टोलॉजी क्या है दिस इज द स्टडी ऑफ द ट्रू ग्रेसिस नेक्स्ट इज पलाइनोलॉजी पेलाइनोलॉजी का मतलब है जो डिफरेंट uh, आपने पॉलन ग्रेन्स तो सुने ही होंगे कि इसमें क्या होता है कि जो मेल गेमिट्स होते हैं प्लांट्स हैं प्लांट्स के जो मेल गेमिट्स जिन स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं आपने देखे होंगे छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स तो इसी तरह के ये स्पोर्स के फॉर्म में होते हैं तो पोल ग्रेन्स की स्टडी हो गई या अलग और अदर जो स्पोर्स हैं या माइक्रोस्कोपिक प्लैकडॉन्स हैं इनकी जो स्टडी होती है अब वो चाहे लिविंग हो चाहे वो फॉजल फॉर्म में हो तो इसको हम बोलते हैं पलाइनोलॉजी अब ये जो पॉलन ग्रीन एक्स एक्सट्रैक्ट किए गए तो उनको रेडियो कार्बन डेटिंग से उनकी स्टडी की जा सकती है एंड पता लगाया जा सकता है कि पहले का क्लाइमेट और इन्वायरमेंट क्या रहा होगा किस टाइम में ये प्लांट्स जो हैं तब ग्रो करते रहे होंगे तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स हैं पॉलन ग्रेन हैं कुछ माइक्रोस्कोपिक पैंकटॉन ऑर्गेनिजम्स हैं इनको मिला करके हम पेलाइनो मॉफ बोलते हैं इन सभी चीज़ों को तो वो लिविंग फॉर्म में हो या फिर वजिल बन चुके हों तो उसको हम पलायनोलॉजी बोलते हैं नेक्स्ट इज़ ऑनकोलॉजी तो ऑनकोलॉजी से आई होप आप सब फैमिलियर होंगे जहाँ पे हम ट्यूमर्स एंड कैंसर की स्टडी करते हैं उनसे किस तरह से प्रिवेंट करना है उसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है ट्रीटमेंट कैसे होना है तो इन सब को हम ऑनकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं नेक्स्ट इज़ टेराटोलॉजी टेराटोलॉजी जो है दिस इज़ अबाउट द कॉन्जेंशियल एबनॉर्मल्टीज़ एंड एबनॉर्मल फॉर्मेशन तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना वो ह्यूमन बींग्स में भी वो जब बॉर्न होते हैं हो, तो उनके बैक uh, में जो है एक प्रोजेक्शन होता है टेल लाइक अपेयर होता है वो क्यों हो रहा है क्योंकि कुछ जीन्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई उनमें म्यूटेशन हो गया एंड उस बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ आ गई तो इन सब एब कॉन्जेंशियल के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं या फिर कुछ देखिए एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो रहा है कभी कभी आप देखते हो कि आपने ऐसा देखा होगा जूस में कि दो गाय के बच्चे होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं उनके कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो कॉमन होते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई होती है ड्यूरिंग दियर एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के दौरान तो इस तरह की अबनॉर्मलिटीज़ के साथ या फिर आपने देखा होगा क्लेफ्ट लिप बहुत सारे बच्चों का जो लिप होता है अपर लिप वो कट होता है तो ये सब एबनॉमलिटीज़ के बारे में पढ़ना अब हम जो ब्रांच या टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे वो उनके बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड है मीन्स जैसे कि एप्रीकल्चर है तो ये दिस अनु एसोसिएटेड विथ की हनी बीज क्या देती हैं जो बाय प्रोडक्ट है दिस इज़ हनी तो बाय प्रोडक्ट मीन्स जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसके बेसिस पर जो टर्मोनॉजीज़ हैं उनको हम देखेंगे तो फर्स्ट जो आता है दिस इज़ अबाउट दैट ऑफ द एप्रीकल्चर एप्रीकल्चर में आप आ, क्या स्टडी करते हो कि बीज जो हैं उनकी किस तरह से उनको रेज करना है उनको किस तरह से उनकी केयर करनी है फॉर कमर्शियल पर्पस या एग्रीकल्चर पर्पस के हिसाब से तो वो क्योंकि इनसे जो आपको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो हनी मिल रहा है तो इन हनी बीज की किस तरह से रेस करें केयर करें उनकी स्टडी कर रहे हैं आप हाँ, तो उसको हम बोलते हैं एपी कल्चर नेक्स्ट कम्स था एल्गल कल्चर तो एल्गल कल्चर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनकी फार्मिंग की जाती है तो दिस इज़ नोन एज द एलगल कल्चर तो एल्गल कल्चर इज अ फॉर्म ऑफ एक्वा कल्चर एक्वाकल्चर मीन्स जो वाटर में किया जा रहा है विच इन्वॉल्व द फार्मिंग ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द एल्गी और एल्गी जो होती हैं उनको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में भी यूज़ किया जाता है नेक्स्ट जो आता है वो होता है एविकल्चर तो एवीकल्चर क्या है ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ बर्ड्स जो बर्ड्स को आ, ब्रीड करवाते हैं जैसे कि एग ऑप्टेन करना है तो उसके लिए लार्ज जो अमाउंट है उसमें बर्ड्स को ब्रीड कराया जाता है उनको रियरिंग की जाती है तो दिस इज़ नोन एज द एवी कल्चर देन कम्स द एक्वा कल्चर एक्वा मीन्स आप समझ रहे हो एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो वाटर में रहते हैं सो एक्वेटिक एनिमल्स की जो रियरिंग होता है कल्टिवेशन होता है या एक्वेटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ द फूड एंड अदर पर्पजेज़ तो उनको हम बोलते हैं एक्वा कल्चर देन कम्स द पीसी कल्चर पिस्सी कल्चर क्या होता है दिस इज़ द कंट्रोल्ड कंट्रोल वे में जब अभी ऐसे तो फिशेज़ नेचुरल इन्वायरमेंट में पाए जा रही हैं वो ब्रीड कर रही हैं सब करी हैं बट आपको जब अपने कंजप्शन के लिए आपको डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप कंट्रोल मैनर में जब फिशिज़ की ब्रीडिंग और रियरिंग कराते हैं देन दिस इज़ नोन एज पीसी कल्चर राइट देन कम्स था एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आ, बहुत सारी बार क्या होता है कि एग्रीकल्चर को लोग सिर्फ क्रॉप्स से एसोटिएट करते हैं पर ऐसा नहीं है एग्रीकल्चर में उसके साथ साथ रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी आता है ठीक है तो ये याद रखिएगा द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टिवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना एंड डिफरेंट एनिमल्स की को भी रेयर करना टू प्रोवाइड फूड अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं लाइक फूड वूल मिल सकता है एनिमल प्रोडक्ट्स ऑप्टेन हो रहे हैं इस वजह से जो एनिमल्स की और डिफरेंट क्रॉप्स जो है उसकी फार्मिंग की जा रही है तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर दैन नेक्स्ट कम्स द सेरिकल्चर तो सैरिकल्चर क्या है सिल्क जो है वो आपका प्रोडक्ट है तो सिल्क के लिए जो इसके लिए जो इंसेक्ट्स हैं सिल्क वॉर्न उनकी रियरिंग करना ये सिल्क वॉर्म का आपको साइकिल दे रखा है दिस इज द लावा देन प्यूपा आता है देन अडल्ट है देन एग्स है तो ये जो प्यूपा होता है इसके जो आ, ये जो है सिक्रियशन जो सिक्रियट करता है थ्रेड लाइक वही आगे जाके सिल्क जो है फॉर्म होता है तो सिल्क प्रोडक्ट जो है वो ऑप्टेन हो रहा है इसके लिए जो सिल्क वॉर्म जो है उनकी रियरिंग की जा रही है तो दिस इज नोन एज द सेरी कल्चर नेक्स्ट कम्स द सिल्वी कल्चर सो सिल्वी कल्चर क्या है इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द ग्रोथ कंपोजिशन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट द डाइवर्स नीड्स एंड वैल्यू तो फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो जंगल हैं उनका जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल वे में Uh, जो है uh, ग्रोथ को कंट्रोल करना उसका कंपोजिशन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ मतलब हमारी जो डिफरेंट नीड्स हैं हमें वहाँ से फूड मिल रहा है वुड मिल रही है मेडिसिन मिल रही है तो इस सबके लिए जो फॉरेस्ट को कंट्रोल वे में ग्रोथ कराया जा रहा है तो उसको हम बोल देते हैं सिल्वी कल्चर देन कम्स द स्पॉन्जी कल्चर तो स्पन्ज जो होते हैं ठीक है स्पंजेज फाइलम पोरीफेरा जो है आप स्टडी करोगे एनिमल में तो वो स्पंजेस जो हैं वो इसी के अंदर आते हैं ऑर्गेनिज़म्स तो कल्टिवेशन एंड ग्रोइंग ऑफ स्पंजेस वो आता है स्पॉन्जी कल्चर में नेक्स्ट कम्स था हॉर्टी कल्चर तो हॉर्टी कल्चर क्या है कि जहाँ पर आप फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर्स एंड बहुत सारी क्रॉप्स जैसे कि मसाले हो गए स्पाइसेस हो गए कॉन्डमेंट्स हो गए एंड क्रॉप्स हैं तो इन सबको ग्रो करने की जो साइंस होती है दिस इज कम्स अंडर द हॉर्टिकल्चर तो हॉर्टिकल्चर क्या है साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसको ये इस सब कलेक्टिवली आप ग्रो कर रहे हो तो एक ब्रांच के अंदर आता है दिस इज नोन एज हॉर्टिकल्चर देन कम्स द फ्लोरिकल्चर सो फ्लोरिकल्चर क्या है वॉय प्रोडक्ट क्या है फ्लावर्स जो है उनकी फार्मिंग की जा रही है देन दिस इज नोन एज अ फ्लोरी कल्चर सो फ्लोरी कल्चर में क्या है कि जो फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करना ठीक है मीन्स जिनको डेकोरेशन में यूज़ किया जा सकता है गार्डन्स में यूज़ किया जा सकता है तो uh, जो वाइ प्रोडक्ट है वो आपके फ्लावर्स हैं तो एज अ प्रोडक्ट जब हम इनको यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए जब फ्लावर्स uh, की फार्मिंग की जा रही है तो दिस इज़ नोन एज फ्लोरी कल्चर नेक्स्ट कम्स द ओले कल्चर तो ओलेरी कल्चर क्या होता है दिस इज़ दाइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग जी वेजिटेबल्स को स्पेसिफिकली आप वेजिटेबल ग्रोइंग की जब बात कर रहे हो दैन इसको हम बोलते हैं ओलेरी कल्चर इसके साथ साथ नॉन विडी या हर्बेशियस जो प्लांट्स होते हैं जिनको जो वुडी नहीं है मीन सॉफ्ट है हर्बेशियस हैं उनकी भी आ, जब डील करते हैं तो उनको भी हम बोलते हैं ओलेरी कल्चर नेक्स्ट इज द आरबोरी कल्चर आरबोरी कल्चर मीन्स स्पेसिफिकली आप ट्रीज और श्रब्स की बात कर रहे हो ट्रीज़ एंड शर्ब्स की बात कर रहे हो देन इसको हम बोलते हैं आरबोरी कल्चर देन पोमोलॉजी तो फ्रूट्स बाय प्रोडक्ट्स हैं तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हो फ्रूट्स एंड फ्रूट ग्रोइंग की जब बात करते हैं ऐसी साइंस जो कि डील करती है विद द फ्रूट्स एंड फ्रूट ग्रोइंग तो उसको हम बोलते हैं पोमोलॉजी नेक्स्ट इज एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो कि डील करती है विद द क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल को किस तरह से मैनेज करना है उसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमी नेक्स्ट इज द वर्मी कल्चर तो वर्मी कल्चर आप समझ रहे हो वर्म मीन्स अर्थवॉर्म की हम यहाँ पर बात करें अर्थवॉर्म जिसको आप केचुआ बोलते हैं ये बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं ऑर्गेनिजम है ये ये कन्वर्ट कर देता है फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है इसे क्योंकि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट सॉइल में होता है उसको ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करता है मिल्क जो आपकी जो सॉइल है उसको प्रोडक्टिव बनाता है तो इसको हम जब स्टडी करते हैं कल्टीवेशन करते हैं अर्थवॉर्म्स का हमारा फायदा हो रहा है हम सॉइल को फर्टाइल बनाना चाह रहे हैं या हम फर्टिलाइजर्स बनाना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक वेस्ट से तो उसको हम बोलते हैं वर्मी कल्चर देन आता है ऑस्ट्री कल्चर कल्चर में हम ऑयस्टर्स की बात करते हैं द ब्रीडिंग ऑफ ऑयस्टर्स फॉर फूड एंड पर्ल्स तो हमें पर्ल चाहिए या फूड के पर्पज से अगर हम ऑयस्टर्स जो हैं उनको ब्रीडिंग करा रहे हैं देन दिस इज़ नोन एज कल्चर ऑयस्टर क्या है दिस इज़ अ कॉमन नेम जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट सॉल्ट सॉल्ट वाटर वाई वेल्ब्स वाई वेल्व्स के बोलते हैं इनके अंदर दो शेल्स होती हैं देखिए ये और ये जिस जिसके अंदर ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कवर्ड रहता है ये मलस्क होते हैं तो हमने बात की थी ना सेकेंड लार्जेस्ट फॉलम है जो कि मैराइन और ब्रैकिश हैबिटाट uh, जो है वहां पे पाए जाते हैं नेक्स्ट इज द हेली कल्चर जो है दिस इज स्नेल की जो स्नेल्स होते हैं विच इज अ शेल्ड गेस्ट्रोपोड इनकी जब फार्मिंग की जाती है देन दिस इज नोन एज अलीकल्चर सो रेजिंग लैंड स्नेल स्पेशली फॉर ह्यूमन यूज Uh, या तो उनका फ्लैश जो है वो यूज़ खाने के लिए या फिर uh, इनका जो स्लाइम होता है जब ये मूव करता है तो ये स्लाइम जो है वो सिक्रेट करते हैं तो उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जा सकता है एंड uh, इनके जो एग्स होते हैं उनको कंज्यूम uh, uh, किया जाता है ह्यूमन बींग्स के uh, द्वारा तो स्नेल्स जो है उनकी फॉर्मिंग की जा रही है देन दिस इज़ नोन एज अ हेली कल्चर देन आता है विटी कल्चर तो विटी के कल्चर स्पेसिफिकली जो ग्रेप्स होते हैं उनकी फार्मिंग और उनकी हार्वेस्टिंग जो है उससे डील करता है तो कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स उसको हम बोलते हैं विटी कल्चर नेक्स्ट इज मैरीकल्चर मैरी कल्चर एक स्पेशलाइज ब्रांच है एक्वाकल्चर की जहाँ पे जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं अब मेराइन मीन्स जो खारे पानी में पाए जा रहे हैं मैराइन ऑर्गेनिजम्स वो वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों उनका जब हम स्टडी कर रहे हैं फॉर फूड या अदर प्रोडक्ट्स के लिए उनका कल्टीवेशन किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेरीकल्चर मैराइन वर्ड से आया है मैराइन ऑर्गेनिजम्स देन इज द मॉरीकल्चर मोरिकल्चर क्या होता है जैसे हम सिल्क वॉम देखते हैं तो जो सिल्क प्रॉम वॉम होता है ना तो वो आ, आप देख रहे हैं वॉम ठीक है ये जो फीड करते हैं वो मलबरी जिसे आप सहतूत कहते हो उसकी लीव्स पर भी फीड करते हैं तो मलबरी का कल्टीवेशन अगर और यही आगे जाके जो आ, आ, सिल्क वॉम है विच इज़ बॉम्बिक्स मोरा यही आगे जाके सिल्क प्रोड्यूस करेंगे क्या फीड किस पे फीड कर रहे हैं दे आर फीडिंग ऑन द मलबरी लीव्स तो इस परपज से कि सिल्क का प्रोडक्शन करना है उसके लिए जो मलबरी मीन्स सहतूत के पेड़ का कल्टीवेशन किया जा रहा है अगर दैन दिस इज़ नोन एज मॉरी कल्चर नेक्स्ट इज द सिट्री कल्चर सिट्री कल्चर मीन्स जो सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे कि खट्टे फ्रूट होते हैं लेमन हो गया ऑरेंज हो गया तो इनका जब लार्ज लेवल पर कल्टिवेशन किया जा रहा है सिट्रस फ्रूट्स ट्री का दो दिस इज नोन एज सिटरी कल्चर नेक्स्ट इज वेजी कल्चर वेरी इजी दिस इज द कल्टिवेशन ऑफ द वेजिटेबल्स कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली रूट क्रॉप प्रोपोगेटेड बाई वेजिटेटिव मीन्स अब ये भी आने लगा है कि वेजिटेटिव मीन्स से uh, अगर प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाए वेजिटेटिव मीन्स आपने देखा होगा प्लांट किसी और का होता है स्टॉक एंड सियोन चुना होगा इस पर किसी दूसरे प्लांट का स्टॉक लेकर के इस तरह से आप ग्रो कराते हो तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव मीन्स इनको आपस में बांध देते हैं एंड थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि ये जो दूसरा प्लांट था वो पूरा ग्रो कर गया फिर इसको अलग कर लेते हैं एंड देन उसको हम सॉइल में इम्प्लांट कर देते हैं सो so, इस तरह का जो मीन्स होता है दिस इज नोन एज वेजिटेटिव मीन्स तो इसको हम बोल देते हैं वेजी कल्चर देन आता है एरोपोनिक्स एरोपोनिक्स क्या है ये एक प्लांट की कल्टिवेशन की टेक्निक है जहाँ पे हम सॉइल में प्लांट्स को नहीं लगा रहे जनरली क्या है यूजली हम सॉइल में ही प्लांट्स को लगाते हैं बट यहाँ पे विदाउट सॉइल हम इसमें क्या करते हैं एरोमींस एयर से एसोसिएटेड है कि जो प्लांट है उसको हम हैंग कर देंगे सस्पेंड कर देंगे एयर में एंड इसको न्यूट्रिएंट्स कैसे दिया जाएगा फाइन मिस्ट की फॉर्म में मिस्ट की फॉर्म में इनको आ, जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो दे दिया जाएगा तो इसको हम बोलते हैं एरोपोनिक्स नेक्स्ट इज एरो कल्चर एरो कल्चर भी जो है प्लांट्स को ग्रो करना है विदाउट सॉइल तो इनको इस उसमें क्या करता था कि हम मिस्ट की फॉर्म में देते थे एंड एरो कल्चर में हम क्या करेंगे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे बाय द मॉइस्टन द रूट्स विद द वाटर तो इसमें भी सस्पेंड कर देंगे एंड इसमें स्प्रे के थ्रू स्प्रे करते रहेंगे वाटर एंड न्यूट्रियस को टैन दिस इज नोन एज एरो कल्चर एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स मीन्स हाइड्रो आप समझ रहे हो वाटर से सो so, सॉइल uh, को यूज ना करके सिर्फ न्यूट्रिय सोल्यूशन की हेल्प से इन दाटर सॉलवेंट अगर हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं आप देख रहे हैं ये प्लांट्स हैं इनकी रूट्स जो हैं इनको ग्रो ग्रोइंग ट्रे में आपने डाला है यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रिय सोल्यूशन यहाँ से रिजर्वायर से आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं मीन्स कोई भी सॉइल नहीं है सिर्फ वाटर जो सॉलवेंट है उसके थ्रो जो है प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है दैन दिस इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स तो ये सारी ब्रांचेस और मेन टर्मिनोलॉजीज थी एसोसिएटेड वाइथ प्रोडक्ट्स ऑफ दैट ऑफ द बायोलॉजी आई होप आपको एक क्लियर हो गई होंगी एंड uh, ये जो स्लाइड्स हैं आई हैव प्रिपेयर्ड आफ्टर सीइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स ऑफ वेरियस एग्जाम्स फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पे रहेगा So keep watching, have a nice day.